हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए, मैं नहा धोवा के ऊपर आई हूँ, कपड़ा फैलाने के लिए आई थी। ये देखिए, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, मिर्ची कितने बड़े बड़े से हुए, बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह। इसका नाम नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े से हुए हैं। इसमें और भी स्टेम थे जो कि मेरे से टूट गया, ये देख लीजिए। और ये जो प्लांट है, ये देखिए, खाद इसे किचन वेस्ट देती हूँ मैं बस। ये देख लीजिए कितने बड़े से ये प्लांट हो गए हैं, और एक ही पॉट में कितने सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं, ये देख लीजिए। और चलिए, जो मेरी दोस्त गिफ्ट की है मुझे, वो मैं प्लांट दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी, ये मुझे गिफ्ट की है मेरी दोस्त ने, तो इसे मैं लगाऊंगी अभी। ये पॉट खाली है, और इसमें जो है ना, जो मैं झाड़ू लगाती हूँ, सभी पत्तियाँ निकलते हैं, मिट्टी भी निकलते हैं, क्योंकि पानी देने से मिट्टी भी थोड़े थोड़े निकल जाते हैं। तो वो सब झाड़ू लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने खाद बनाने के लिए रख दिया था। तो ये बन चुके होंगे, तो इसको इसी में लगा दूँगी, ताकि इसको, इस प्लांट को खाद भी मिल जाएंगे। स्ट्रॉबेरी अभी प्लांट मिल रहे हैं 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे जैसे जहाँ का रेट हो। तो ये मेरी दोस्त गिफ्ट की है, तो अब मैं इसे लगा दूँगी। अभी तो मैं कोई भी प्लांट नहीं ला रही हूँ, थोड़े से और सर्दी पड़ने लगेंगे, प्लांट बड़े बड़े होंगे तभी मैं लाऊँगी। तो फ़िलहाल ये मेरा पहला प्लांट है इस जाड़े की, और दूसरा प्लांट ये है, ये देख लीजिए। ये मैं 10-15 दिन पहले गई थी बाहर, तो नर्सरी गई थी उधर घूमने। तो ये देखिए, टमाटर पौधे लगाई हूँ, और जो गार्डन का हाल है, जैसे है वैसे ही है। और सूखे सूखे पत्तियाँ हो गए हैं, इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दिन से पानी भी नहीं दी थी, दिवाली की जो तैयारी थी, बिज़ी थी उसमें। और ये देखिए, कचनार मेरे ब्लूम करने लगे, देख लीजिए। एक कचनार का प्लांट पहले भी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, वो प्लांट ख़राब हो गए थे, तो मैं फिर से ये प्लांट लाई थी। कई बारी वीडियो में भी मैंने दिखाया है ये प्लांट कि मैं लाके लगाई हूँ। और यहाँ पे रोज़ प्लांट जो देख रहे हैं, इसकी मैंने कटिंग यहाँ से कर दी है, इधर से, और इसमें बहुत सारे बर्ड्स बने हुए थे, तो मैंने छोड़ दिया इसको। मुझे दया लगा कि इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, जब ये खिल जाएंगे तो फिर इसे भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो कट मैंने किया था, इसमें देखिए कितने सारे बर्ड्स निकल गए हैं, नए नए ब्रांच निकल गए हैं। तो इसी तरह से इसको भी मुझे कट कर देना है, तभी अच्छे से घना भी हो जाएगा प्लांट, और बहुत सारे इसमें ब्लूमिंग आएगी। और साथ में ये देखिए, बोगनविलिया जो लाया था मैंने, पिंक कलर, ये देख लीजिए। तो ये भी खूब बड़े से हो चुके हैं, और बड़ा ही बड़ा मैं रखी हूँ। अब मैं कट नहीं कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि छोटे छोटे जो रहते हैं तो कोई देख नहीं पाएगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगल बगल जिन्हें भी दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा उनको। तो बड़े बड़े से प्लांट मैंने कर दिया है, और ये सैंड पेपर वाइन भी देख लीजिए कितने बड़े से हो गए हैं। ये तो हमेशा मैं हर वीडियो में दिखाती रहती हूँ, और जो भी है गार्डन का हाल बस यही है। और इधर जो हिबिस्कस थे, ये ब्लूम करने वाले हैं, अभी देखती हूँ कौन सा कलर। मुझे लग रहा है कि ये डार्क रेड है, इसके बर्ड्स देख लीजिए, इससे पता चल जाता होगा। तो ये देखिए, इधर जो टेक्सस सेज था, इसको मैंने इधर कर दिया है, फिर भी इसमें देखिए कितने सारे बर्ड्स बनने लगे हैं, लगातार ब्लूम किए हैं मेरे यहाँ ये प्लांट, और फिर से ये ब्लूम करने वाले हैं। इधर सुबह सुबह का धूप आता है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है इस प्लांट को। मैंने सोचा था कि ये इसमें फ्लावर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन फिर से बर्ड्स बन रहे हैं, ये देख लीजिए। तो दो प्लांट में लगाई थी, दोनों मेरे प्लांट चल गए, और ये मेरा फेवरेट प्लांट। और जो हिबिस्कस मुझे ये लेंटर्न हिबिस्कस करके दिए थे, नर्सरी वाले भैया बोल रहे थे कि येलो कलर है, लेकिन येलो नहीं है, ये रेड ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई नया प्लांट नहीं लगा रही हूँ, नया प्लांट लगाऊंगी तो आप सभी को शेयर करूंगी।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।